हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स शो की, और डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम देखेंगे 6 मार्च 2020 के क्वेश्चनों की, जो कि टॉप 10 क्वेश्चन होगा। और ये टॉप 10 क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सभी क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के से जरूर शेयर भी करें। जो भी आपको सुझाव देना, आप कमेंट के माध्यम से हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। और इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड जरूर करें और इसका नोट्स भी बनाते रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान, जो कि ग्रामीण का है, का दूसरा चरण कब से शुरू होगा। बाई वेन द सेकेंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण विल बिगन। 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई और 1 जून। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल से शुरुआत हो जाएगा स्वच्छ भारत अभियान का दूसरा चरण, जो ग्रामीण स्तर पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल। डिटेल्स की बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस चरण में 1,40,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जाएगी, और इस 4 वर्षीय चरण को इस साल 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। इस दौरान शौचालय के निर्माण और उसके इस्तेमाल सहित पहले चरण की उपलब्धियों को बनाए रखने पर बल दिया जाएगा, तथा सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति इस चरण के लाभ से वंचित ना रहे। तो ये इसका डिटेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि आज का दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। वेन इज नेशनल सिक्योरिटी डे सेलिब्रेटेड। पहला ऑप्शन है 3 मार्च को, 4 मार्च, 5 मार्च और 6 मार्च। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3 मार्च। डिटेल्स की बात करें हम तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है, और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद स्थापना दिवस भी है। इस अभियान का उद्देश्य है कि कर्मचारियों और नागरिकों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और पूरे साल भर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना है। अभियान का मुख्य लक्ष्य है कि कार्यालयों और लाइफस्टाइल में OSH का एकीकरण सुनिश्चित करना है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 4 मार्च होगा, जो कि बी आंसर सही है। 3 मार्च ये बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है। तो आप इसे, आपके इसके लिए सॉरी, हमने 3 मार्च बता दिया है। ये ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन है। 4 मार्च को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो डिटेल्स यहाँ पर भी 4 मार्च आप कर लेंगे। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना दिवस भी है। और इस अभियान का उद्देश्य है कि कर्मचारियों और नागरिकों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और पूरे साल भर में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना। अभियान का मुख्य लक्ष्य कार्यालय और लाइफ टाइम अचीवमेंट OSH का एकीकरण सुनिश्चित करना है, ठीक है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जाता है। तो ये इस साल जो है 4 मार्च से 10 मार्च तक मनाया जाएगा। 4 मार्च से 10 मार्च तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा, ठीक है, इसे भी जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि आज का तीसरा क्वेश्चन है, किसने कोरोना वायरस से पीड़ित देशों की मदद के लिए 12 अरब डॉलर का की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। हुआज अनाउंस अ $12 बिलियन फाइनेंशियल एड टू हेल्प कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम द कोरोना वायरस। संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, वर्ल्ड बैंक, यानी विश्व बैंक जो है कोरोना वायरस से पीड़ित देशों की मदद के लिए 12 अरब डॉलर की सहायता करेगा। डिटेल्स की बात करें तो विश्व बैंक ने कोरोना वायरस से पीड़ित देशों की मदद के लिए 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। विश्व बैंक ने कोरोना वायरस के प्रकोप से पीड़ित देशों की मदद के लिए 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। और विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मैलपास ने कहा है कि इसका उद्देश्य है कि ज़रूरतमंद देशों को तीव्र और असरदार तरीके से मदद उपलब्ध कराना है, और इसके जरिए विश्व के सबसे गरीब देशों को धन उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी है। अब परीक्षा की दृष्टि से बात करते हैं तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है यह है वाशिंगटन DC में, और स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, और इसके अध्यक्ष है डेविड मलपास और MD एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी है अंशुला कांत जी। तो ये इसका डिटेल्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का चौथा क्वेश्चन है, 10 बैंकों को मिलाकर 4 बैंक बनाने का निर्णय कब से लागू किया गया है? सिंस वेन हैज द डिसीजन टू फ्रॉम 4 बैंक्स कंप्राइजिंग 10 बैंक्स बीन इम्प्लीमेंटेड? 15 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020, 1 मई 2020 और 1 जून 2020। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1 अप्रैल 2020 से 10 बैंकों को मिलाकर 4 बैंक बनाने का निर्णय लागू हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1 अप्रैल 2020। डिटेल्स की बात करें तो 10 बैंकों को मिलाकर 4 बैंक बनाने को प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों को मिलाकर 4 बैंक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और बैंकों का विलय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावित होगा। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो जाएगा। सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में मिला दिया जाएगा और आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया जाएगा। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में भी मिला दिया जाएगा। तो ये इसका डिटेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का पांचवा क्वेश्चन है, 2021 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित होगी? वेयर विल द 110th इंडियन साइंस कांग्रेस बी हेल्ड इन 2021? नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पुणे शहर में 2021 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुणे। डिटेल्स की बात करें तो पुणे 2021 में होने वाली 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की करेगा मेजबानी पुणे सिटी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ ने घोषणा की है कि पुणे अगले साल 3 से 7 जनवरी को भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा और वर्ष 2021 के ISCA का विषय है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वोमेन एम्पावरमेंट होगा। और डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना को भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 का अध्यक्ष भी चुना गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये हैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना, 2021 का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का छठवां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन्हें नया वित्त सचिव नियुक्त किया है? हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड अ न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी? राजीव कुमार, अजय भूषण पांडे, रमेश सिंह और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अजय भूषण पांडे को केंद्र सरकार ने हाल ही में वित्त सचिव नियुक्त किया है। डिटेल्स की बात करें तो अजय भूषण पांडे को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में अजय भूषण पांडे को नया वित्त सचिव नियुक्त किया है और अजय भूषण पांडे वित्त सचिव राजीव कुमार के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। अजय भूषण पांडे महाराष्ट्र कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं। तो ये इसका डिटेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का सातवां क्वेश्चन है, किसने क्रिप्टो करेंसी में व्यापार की अनुमति प्रदान की है? हु हैज़ अलाउड ट्रेडिंग अ क्रिप्टो करेंसीज? पहला ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, रिजर्व बैंक, वित्त आयोग और नीति आयोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट जो है क्रिप्टो करेंसी में व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सुप्रीम कोर्ट। डिटेल्स की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी में व्यापार की अनुमति प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2020 को देश में क्रिप्टो करेंसी में व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार क्रिप्टो करेंसी के कारोबार को गैर कानूनी बताने वाले फैसले पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले से देश भर में बिटकॉइन समेत अन्य क्रिप्टो करेंसी के व्यापार और उपयोग पर लगा प्रतिबंध खत्म हो गया है और इसका लेन देन अब देश के सभी बैंक शुरू कर सकते हैं। तो ये इसका डिटेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का आठवां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? वेयर डिड द ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप बिगन? पहला ऑप्शन है दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। राज्य में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप का शुरू हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हरियाणा। डिटेल्स की बात करें तो हरियाणा में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। हरियाणा के पंचकूला जिले में 68वां अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 आरंभ हो गई है और चैंपियनशिप का उद्देश्य है कि 2028 में होने वाले ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार ने 15,000 से अधिक खिलाड़ियों की पहचान की है और उनका प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया है। परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। तो ये इसका डिटेल्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विल बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। सुनील जोशी, अरविंदर सिंह, देवांग गांधी और जतिन परांजपे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुनील जोशी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुनील जोशी। डिटेल्स की बात करें तो सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष बनेंगे सुनील जोशी जी। पूर्व भारतीय स्पिनर सुनील जोशी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI की अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति के नए अध्यक्ष बनेंगे। इसके दूसरे नए सदस्य हैं पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज हरविंदर सिंह हैं। ये दो नए सदस्य देवांग गांधी, सरनदीप सिंह और जतिन परांजपे के साथ चयन समिति में जुड़ेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी और इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, CEO हैं राहुल जोहरी और सचिव हैं जय शाह जी। तो ये इसका डिटेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का 10वां क्वेश्चन है, ICC की महिला बल्लेबाजों की T20 रैंकिंग में नंबर एक कौन बनी है? हु हैज़ बिकम नंबर वन इन द T20 रैंकिंग ऑफ ICC's वोमेन बैट्समैन। पहला ऑप्शन है मिताली राज, स्मृति मंधाना, सूजी बैट्स, शेफाली वर्मा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शेफाली वर्मा जो है ICC की महिला बल्लेबाजों की T20 रैंकिंग में नंबर एक बनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शेफाली वर्मा। डिटेल्स की बात करें तो 16 साल की शेफाली T20 रैंकिंग में बनी नंबर एक। भारत की 16 साल की युवा सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ICC की ताज़ा T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई। शेफाली ने 19 स्थानों की लंबी छलांग लगाकर 761 रेटिंग अंकों के साथ इस सूची में पहले स्थान हासिल कर लिया और न्यूजीलैंड की सूजी बैट्स 750 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं और भारत की स्मृति मंधाना 2 स्थान गिरकर 701 अंकों के साथ 7वें स्थान पर आ गई हैं। तो ये इसका डिटेल्स है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करें और जो भी आपको सुझाव देना आप कमेंट के माध्यम से हमें अपनी सुझाव दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल दी बेस्ट।